थैंक यू भोजी। स्टूडेंट्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दो ऐसे हीट के चैप्टर्स हैं जिनमें से वैरायटी और मैक्सिमम क्वेश्चंस हर साल जेईई मेन और नीट में पूछे जाते हैं, विच मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड। सो अगर हम इन टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ जितने भी मैं ईओपी में केसेज ले रहा हूँ, ये केसेज अपनी ईओपी नोटबुक में बहुत स्पेसिफिकली मार्क कर लीजिए और इन चीज़ों को हमारी रिविजन चेकलिस्ट से मैच कर लीजिए, बिकॉज वैन यू वॉच अ रिविजन चेकलिस्ट वीडियोज ऑफ केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, सारे नोट्स आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे और इन केसेज को वहाँ पर हाईलाइट करके रखिए, सो दैट यू विल बी एबल टू कोरिलेट थिंग्स और दिमाग में चीज़ें फ्रेश रहें। Or with the limited things, you'll be able to fight for the final JEE Main. Have a look over here. It says case of evaluating ratio of specific heat of a gaseous mixture. मिक्सचर में दिया गया 16 ग्राम हीलियम एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन और हमको रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी वी नीड टू कैलकुलेट फॉर द मिक्सचर। तो डायरेक्टली यू नो फॉर अ मिक्सचर वी यूज N1 प्लस N2 बाई गामा इक्वल एंड माइनस 1, विच इज द गामा फॉर मिक्सचर इज इक्वल टू N1 बाई गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 by gamma 2 minus 1. You need to be careful, क्योंकि हमेशा जब concept easy होगा तो calculation part थोड़ा सा heavy हो जाता है. So number of moles helium के 4 हैं, oxygen के 16 gram means 0.5 moles are used divided by gamma equivalent minus 1 is equals to 4 by helium is a monatomic gas, so this 5 by 3 minus 1 plus oxygen is a diatomic gas, so this 0.5 by 7 by 5 minus 1. So we calculate this gives 4.5 by gamma equivalent minus 1 is equals to this 4 multiplied by 3 by 2 plus this 0.5 multiplied by 5 by 2. So it comes out to be 6 plus 0.25. This 2.5 by 2, 6 plus 1.25, 7.25. So it gives gamma equivalent minus 1 as 4.5 by 7.25, which is equals to 450 by 725. सो कैलकुलेशन पार्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट हियर, गामा इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाता है, इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं 25. So this gives 18 and this gives 29. So it becomes 1 plus 18 by 29, which comes out to be 47 by 29. That's the answer to this question. Thank you, Bhoji. This is another type of cases which are very frequently asked in examination. This case of gases connected for thermal equilibrium. So यहाँ पे दिया गया दो रिजिड बॉक्सेस हैं कंटेनिंग डिफरेंट आइडियल गैसेस, दे आर प्लेस्ड ऑन अ टेबल एंड इट सेज बॉक्स ए कंटेन्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। सो डेटा कॉपी करना हम शुरू कर देते हैं ताकि एग्जाम में टाइम किल नहीं होना चाहिए। बॉक्स ए में नंबर ऑफ मोल्स 1 है, नाइट्रोजन गैस यूज हो रही है, टेम्परेचर टी नॉट है। और बॉक्स बी में देखें तो इट ऑल्सो कंटेन्स नंबर ऑफ मोल 1 एंड दिस हीलियम दैट इज मोनोटोमिक गैस, दिस डायटोमिक गैस एंड टेम्परेचर इज 7/3 टी नॉट। Now it is saying the boxes are then put into thermal contact with each other. तो वहाँ पे heat exchange होगी, thermal contact means heat exchange. तो temperature finally becomes equal and heat flows between them until the gases reach a common final temperature. Heat capacity of box ignore कर देते हैं, final temperature T final we need to calculate. But यहाँ ध्यान रखेंगे क्योंकि दोनों gases अलग अलग container में हैं, तो वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि प्रेशर अलग अलग होगा लेकिन टेम्परेचर सेम हो जाएगा। प्रेशर निकालना होगा तो वी नीड टू यूज मोल कंजर्वेशन। इन दिस केस व्हाट वी आर गोइंग टू टेक अप इज, अब देखिए टी मिक्सचर का डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास था बाई यूजिंग इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन, दैट इज F1N1T1 प्लस F2N2T2 डिवाइडेड बाई F1N1 प्लस F2N2। तो डायरेक्ट ये रिलेशन दिमाग में रखें, विल बी गेटिंग द आंसर विद दैट। नंबर ऑफ मोल्स दोनों के मैंने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम N2 की 5 होंगी, is 5 T naught plus here it is helium ki 3 hongi, 3 times 7 by 3 T naught, so this 7 T naught divided by this 3 plus 5, 8 number of moles 1 hai, so it comes out to be 12 T naught by 8 directly. Aapke paas dekho 3 T naught by 2 directly one line mein result you are getting. So you must handle the questions carefully with calculations, aur agar results aap apply karenge to chutkiyon mein questions hote chale jayenge. This question is exactly same that of the previous one. Case bhi hui hai, case of mixing gases at different temperature. I'm taking up because kai cheeze aap bar bar dimag mein dalenge to ye cheeze bahut bar aa chuki hai, to aapke dimag mein fresh rehna zaruri hai. Different temperature pe gases ko mix kiya tha. Previous case we talked upon, wahan mix nahi kiya tha, thermal contact mein tha. Baat ek hai, mixing mein bhi heat exchange hoke temperature same ho jata hai. So it says three perfect gases, wahan do gases thi ya teen hai, at absolute temperature T1 T2 T3 are mixed. And the masses of molecules M1, M2, M3 and the number of molecules are N1, N2, N3. So no loss of energy ke case mein final temperature nikalna hai.
So you can directly write, dear student, final temperature you will write as F1 N1 T1 plus F2 N2 T2 plus F3 N3 T3 divided by N1 plus N2 plus N3. F1, F2, F3 यहाँ पे भी आप यूज करेंगे, बट अगर परफेक्ट गैसेज मानना है तो जब भी केसेस परफेक्ट के बारे में बात की जाती है तो आप ये मान के चलें, जनरली मोनोएटॉमिक गैस या सिंगल पार्टिकल गैसेस की बात हो रही है, वी डोंट इवन कंसिडर डायटोमिक और ट्राइटोमिक गैसेस, बट यस अगर मोनोएटॉमिक डायटोमिक ट्राइटोमिक तीनों गैस लेंगे तो दिस इज द रिलेशन वी आर गोइंग टू यूज, और एफ अगर इक्वल ले लेंगे सो यू कैन राइट इफ एफ इक्वल यू कैन सिंपली पुट योर फाइनल टेम्परेचर एज N1 T1 प्लस N2 T2 प्लस N3 T3 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3. Why I'm ignoring masses? Because number of molecules है उन्हीं के proportional moles होते हैं, तो we can write moles are proportional to number of molecules. So in that case we don't need to consider the masses, which is not useful. So directly you can apply the case and we are getting the final temperature of mixture. Thank you, Poji. So here we'll be talking about case of evacuation of a gas by vacuum pump. In this case, yahan diya gaya, modern vacuum pumps can evacuate a vessel down to a pressure of 4 into 10 to our minus 15 atoms. At room temperature, it is given, taking R atoms or pressure, atmospheric pressure yahan pe diya gaya, 10 to power 5 Pascal, and it is given Avogadro number also, and asking the mean temperature, mean distance between molecules of gas and an evacuated vessel will be of the order of, that's what we need to calculate. Toh agar hum yahan dhyan se dekhein, तो वैक्यूम पंप जब एवैक्यूएट करेगा इस लेवल पे तो उसके बीच में मीन डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगी, दैट्स व्हाट वी नीड टू चेक. सो इतने एटम्स हैं, फर्स्ट वी नीड टू चेक द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, और अगर मीन डिस्टेंस की बात करी जाती है तो मीन डिस्टेंस हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, मीन डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स सो डी वी राइट एज वॉल्यूम पर एटम वाटर इज अवेलेबल इट्स क्यूब रूट. दिस द एक्सप्रेशन यूज फॉर मीन डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल, और हमेशा यही रिलेशन काम आएगा, आपको ये ध्यान में रखना है. सो वी बाई एन का क्यूब रूट, दैट्स वॉट वी नीड टू मेक यूज ऑफ. लेकिन अब यहाँ पे वी नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी बाई एन की, वी बाई एन क्या होगा एट दिस प्रेशर. नाउ यूजिंग गैस लॉ वी कैन राइट पी वी इज इक्वल्स टू एन के टी, यू कैन राइट, और जो भी इसके नंबर ऑफ मोल्स इन नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, एन डिवाइडेड बाई एन एवोगाड्रो मल्टीप्लाइड बाई आर टी. आर बाई एन एवोगाड्रो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ले सकते हो, बट यहाँ पे आर और एवोगाड्रो नंबर दोनों की वैल्यू गिवन है तो विल यूज दैट ओनली. प्रेशर इन दिस केस वी नीड टू मेक यूज ऑफ, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि प्रेशर 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 एटमोसफेयर है, दिस नॉट एटम्स, और एटमोसफेयर की वैल्यू दे रखी है 10 टू पावर 5, सो वी कैन यूज पी इज 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स आर टेकन एज एन डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर इज 6 इंटू 10 टू पावर 23, आर इज 8, टेम्परेचर इज 300. सो दिस गिव्स अस द वैल्यू ऑफ वी बाई एन, दैट्स वॉट वी वॉन्ट टू कैलकुलेट. सो हेयर इट इज 8 इंटू 300 multiplied by, here it is 10 to power 10 divided by 4 into 6 into 10 to power 23. So, if you look at this, 4, 6, 8, 3 gets cancelled out, this 10 to power minus 11. So, mean distance between molecule, if we wish to calculate this V by N to power 1 by 3, so calculation is quite important in majority of questions, so you have to be careful. So, this comes out to be 10 to power minus 11 ka cube root. So what you can write it, this can be written as 10 into 10 to power minus 12 ka cube root, which gives cube root of 10 is 2.1, that you need to keep in mind, as the square root of 10 we take as 3.2. So here 10 to power minus 12 cube root is 10 to power minus 4. So itna meter is the answer to this question. So calculation agar careful hai, so you can very easily evaluate all the values.